अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो है उसके बारे में देखते हैं कि हमने जो डिफरेंस इक्वेशंस हैं उनको न्यूमेरिकल किस तरह से डिफरेंशिएट करना है। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में ये जो हम मेथड पढ़ने लगे हैं ये हमारे लिए फॉर इक्वली स्पेस डाटा के लिए है। इक्वली स्पेस मीन उस जो भी आपके पास डाटा होगा उसका जो इंटरवल है वो सेम होगा आपके पास। इंटरवल मीन जो उसकी हाइट होगी फर्स्ट पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक आपके पास, ठीक है। और इसमें सबसे पहले देखते हैं कि पहला है थ्री पॉइंट एंड पॉइंट फॉर्मूला। तो इसमें देखें लेट एफ ऑफ एक्स बी एनी कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन आर रियल लाइन पे। देन टू फाइंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। तो हमने उसकी अप्रोक्सीमेशन जो है वो डिफरेंशिएशन करनी है। तो एफ ऑफ डैश उस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है। तो जो आपके पास ये एक्स होगा वो एक्स नॉट के इक्वल होगा। यहाँ पे एक्स और एक्स नॉट से मुराद है वो वाला पॉइंट जिसपे हमने वैल्यू को अवेलुएट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास थ्री पॉइंट एंड पॉइंट फॉर्मूला में हमारे पास पहला फॉर्मूला है एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू वन ओवर टू एच इंटू माइनस थ्री एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस फोर एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ इंटू एक्स नॉट प्लस टू एच प्लस एच क्यूब ओवर थ्री एफ थ्री ऑफ एक्सायल नॉट। यहाँ पे ये जो टर्म है एक्सायल नॉट ये आपके पास टोटल टर्म जो है इसको हम अप्रोक्सीमेट एरर कहते हैं। और यहाँ पे ये जो टर्म इस तरह से कर्ली ब्रैकेट टाइप है ये इसको एक्सायल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करनी है थ्री पॉइंट एंड पॉइंट फॉर्मूला से तो कोई भी वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या करना है कि हमने वो जो आपके पास अप्रोक्सीमेट एरर है इसको हमने फाइंड आउट नहीं करना। हमने जस्ट एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। यहां तक हमारे पास फॉर्मूला है इसको स्किप कर देना है। ये आपके पास एरर है तो इसको हमने अलग से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास x नॉट वो वाली वैल्यू होगी जिसपे हमने ये जो x नॉट है सॉरी यहाँ पे x नॉट आएगा। यहाँ पे ये जो x नॉट है ये वो वाली वैल्यू होगी जिसपे हमने कोई फंक्शन कोई वैल्यू जो है वो एवेल्युएट करनी है। तो x नॉट f ऑफ x नॉट वो आ जाएगी जो उसके सामने उस फंक्शन वैल्यू पुट करने से उस फंक्शन में वैल्यू पुट करने से आएगी। एफ ऑफ x नॉट प्लस एच उससे नेक्स्ट टर्म होगी। एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस टू एच उससे दो टर्म नेक्स्ट होगी। इस तरह से ये यहाँ पे हम जो एच है वो निकाल सकते हैं जाकर एक्स वन इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच एक्स वन माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एच। यहाँ पे दो वैल्यूज का आप डिफरेंस लो नेक्स्ट और प्रीवियस वैल्यूज दोनों का डिफरेंस लेने से आपके पास हाइट आ जाएगी। तो एक्स टू इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टू एच x2 जो होगी वो उससे अगली टर्म होगी, ठीक है। जो x0 होगा उससे अगली टर्म x0 प्लस 2h होगी। x2 एक्चुअल में फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी वैल्यू x की वैल्यूज हैं 2 है 4 है 6 है 8 है और यहाँ पे f ऑफ x है। तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि 3.4 है 3.9 है 3.6 है और 3.8 है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि अगर यहाँ पे आ जाएगा 11 कर लें तो यहाँ पे 13 कर लें। यहाँ पे देखिए इक्वली स्पेस डाटा है 4 माइनस टू टू 6 माइनस टू टू आ जाएगा 8 माइनस सिक्स टू आ जाएगा। यहाँ पे हम फर्ज करते हैं कि हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने जो अवेलुएट करनी है वो 6 पे वैल्यू करनी, ठीक है। यहाँ पे एक और टर्म ले लें तो यहाँ पे 4 ये आ जाएगा 3.16। यहाँ पे जो एक्स नॉट प्लस एच होगा वो इससे अगली टर्म होगी। एक्स ये जो टर्म होगी ये वाली होगी हमारे पास एक्स नॉट माइनस एच ये वाली टर्म एक्स नॉट माइनस टू एच ये वाली टर्म सॉरी ये वाली उससे ये जो टर्म है इसको हम एक्स नॉट प्लस एच कहेंगे। ये वाली टर्म जो है हमारे पास एक्स नॉट प्लस टू एच होगी। इस तरह से नेक्स्ट फॉरवर्ड होगी आपके पास अगर टर्म हो रहा है तो इसी तरह से सेम मेथड से आएंगे। इस मेथड से हमने थ्री पॉइंट एंड पॉइंट फॉर्मूला की मदद से हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करनी है जो भी आपके पास इक्वली स्पेस डेटा गिवन होगा
जो वैल्यू जिस पॉइंट पे वैल्यू कहा जाएगा कि इस पे अवेल्युएट करें, वो आपने इस मेथड से थ्री पॉइंट एंड पॉइंट फॉर्मूला से वैल्यू अवेल्युएट करनी है। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास जो है कि हमने पहले देखा कि थ्री पॉइंट एंड पॉइंट फॉर्मूला, उसके बाद देखेंगे थ्री पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारे पास। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी आपके पास जिस पॉइंट पे भी कहा जाएगा एक्स नॉट जो है वो अवेल्युएट करें, तो हमारे पास इस फॉर्मूला के साथ वहां पे आपको गिवन होगा कि आप इस मेथड से, इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करें। तो एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वन ओवर टू एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच माइनस एच स्क्वायर ओवर सिक्स एफ क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपके पास वो जो अप्रोक्सीमेट एरर है लास्ट पे, तो वो आपके पास इस इंटरवल के दरमियान जो है वो लाई करेगा बिटवीन एक्स नॉट प्लस एच एक्स नॉट माइनस एच। आप सेम उसी मेथड से ए जो है वो इक्वली स्पेस डाटा होगा, सिंपली पता चल जाएगा एक्स नॉट भी गिवन होगा। तो इस मेथड से आप इसको थ्री पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्मूला से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है फाइव पॉइंट एंड पॉइंट फॉर्मूला। हमारे पास फाइव पॉइंट एंड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे देखिए एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वन ओवर ट्वेल्व एच माइनस ट्वेंटी फाइव एफ एक्स नॉट प्लस फोर्टी एट एफ एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस थर्टी सिक्स एफ एफ एक्स नॉट प्लस टू एच प्लस सिक्सटीन एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस थ्री एच माइनस थ्री एफ एक्स नॉट प्लस फोर एच प्लस एच फोर। वहां पे वो जो हमारे पास है वो सिंपली लिखा है, वो आप सेपरेटली इसको फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो एक्चुअल में फॉर्मूला है जो आप डिफरेंशिएशन करोगे न्यूमेरिकल की, तो आप यहां तक सिंपली इसको सॉल्व करके आपके पास न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन होगी। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो इस इंटरवल के बिटवीन लाई करेगा एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस फोर एच के। यहाँ पे नंबर फोर पे देखें, फोर पे फाइव पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्मूला गया, ये हमारे पास फाइव पॉइंट एंड पॉइंट है और ये फाइव पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इसको भी सेम उसी मेथड से, जस्ट फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वन ओवर ट्वेल्व एच एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस टू एच माइनस एट एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच प्लस एट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस टू एच। तो यहाँ पे एक्स आई नॉट जो है वो आपके पास इस इंटरवल के बिटवीन लाई करेगा एक्स नॉट माइनस टू एच और टू एक्स नॉट प्लस टू एच। इन फॉर्मूलाज की मदद से आप जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जिस पॉइंट पे भी आपको कहा जाएगा, जिस फॉर्मूला से कहा जाएगा। और ये याद रहे कि यहाँ पे जो ये सारा आपके पास टोटल फॉर्मूलाज जो भी हैं, ये आपके पास इक्वली स्पेस डेटा के लिए गिवन। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को हमने जो फॉर्मूला पहले नोट किए हैं उनको यूज करके हमने जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करनी है डिफरेंट मेथड से, वो देखते हैं। एक एग्जांपल है लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स, देन बाय यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। ये आपके पास वैल्यूज गिवन है, ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज गिवन है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज गिवन है। आपके पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स गिवन नहीं हो सकता, तो आपके पास ऐसा फंक्शन दिया जाएगा और एक्स की वैल्यूज दी जाएंगी। आप एक्स की वैल्यूज पुट करके और एफ ऑफ एक्स कोरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यूज निकालोगे। तो हमने ये हमारे पास गिवन है वैल्यूज अप्रोक्सीमेट एफ डैश ऑफ टू बाई यूजिंग अबव फॉर्मूलास। हमने जो टू पे वैल्यूएट करनी है वैल्यू, यहाँ से एक्स नॉट जो है आपके पास वो टू आ जाएगा, यहाँ से आपने वैल्यूज अवेल्युएट करनी है और फाइंड करना है एफ डैश ऑफ टू उन फॉर्मूलास को यूज करके। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो टू पे वैल्यूएट करनी वैल्यू, तो यहाँ से एक्स नॉट जो है वो टू आ जाएगा। अब इसके जो आगे जो फॉरवर्ड वैल्यूज हैं वो आपके पास एक्स नॉट प्लस एच आ जाएंगे, ये एक्स नॉट प्लस टू एच आ जाएगा, और ये जो बैकवर्ड है ये आपके पास एक्स नॉट माइनस एच और ये आपके पास एक्स नॉट माइनस टू एच आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इसके बाद हमने फॉर्मूला को यूज करना है और यूज करके हमने वैल्यूज को फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो हमने फॉर्मूलाज किए हैं पहले थ्री पॉइंट एंड पॉइंट फॉर्मूला से हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखते हैं कि थ्री पॉइंट एंड पॉइंट फॉर्मूला का जो आपके पास न्यूमेरिकल का फॉर्मूला वो क्या है। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स नॉट
इक्वल टू आधे का वन ओवर टू एच इंटू माइनस थ्री एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस आ जाएगा यहाँ पे फोर एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस टू एच। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो प्लस यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एरर होगा वो नहीं आप देखोगे, जस्ट यहाँ तक कि आपका फॉर्मूला होगा और इसके इस इनकी वैल्यूज पुट करके आप फाइंड आउट करोगे वैल्यू। और यहाँ पे हमने वैल्यू जो है वो वैल्यूएट करनी है टू पे, तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ टू आ जाएगा इंटू वन ओवर टू एच की वैल्यू हमने फाइंड की है 0.1 इंटू माइनस थ्री एफ ऑफ एक्स नॉट। यहाँ पे आप देखें एक्स नॉट के कोरस्पॉन्डिंग जो उसके फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आई है हमारे पास 17.14897 माइनस आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस टू एच, उससे नेक्स्ट टर्म जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू वो आप पुट करोगे 90.855 0.3030। आप सिंपली यहां पे आपके पास आ जाएगा 5 इंटू और यहां पे आ जाएगा आपके पास 4.406462 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर की मदद से यहां से वैल्यूज पुट करके सिंपली सॉल्व कर लोगे, यहां पे 22.032310 आ जाएगा, ये आपके पास एफ डैश ऑफ टू। आपने यहां पे ये मैंने पॉइंट के बाद सिक्स डिजिट इसलिए लिखे क्योंकि हमने सिक्स डिजिट तक जो है वो आपके पास वैल्यू थी और हमने कैलकुलेटर भी फिक्स करना है तो फिक्स आप कर सकते हैं कि सिक्स डिजिट तक कैलकुलेटर को फिक्स कर लें। अब थ्री पॉइंट एंड पॉइंट से हमारे पास जो एफ डैश एफ टू है उसकी वैल्यू 22.032310 आई है। तो इस मेथड से आप थ्री पॉइंट एंड पॉइंट फॉर्मूला से न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो है वो करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखेंगे अब हमने पहले फाइंड किया था थ्री पॉइंट एंड पॉइंट, अब हम देखते हैं थ्री पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इस मेथड से इस सेम क्वेश्चन को हमने न्यूमेरिकली डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो देखें एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इसका फॉर्मूला होता है 1 ओवर 2 एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच। हम यहां पे ये दोनों वैल्यूज लगाएंगे, एच की वैल्यू लगाएंगे और आपके पास एफ डैश ऑफ 2 फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहां पे देखेंगे एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच जो है वो आपके पास एक्स नॉट प्लस एच इसके फंक्शन वैल्यू क्या है कॉरस्पॉन्डिंग 17.148957 और x नॉट माइनस एट जो है वो x नॉट से पिछली वैल्यू जो है 12.703199 है। तो यहाँ पे वैल्यू लगाओ 1 ओवर 2 इंटू 0.1 एच की वैल्यू इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एट जिसके कोरस्पॉन्डिंग है 17.148957 माइनस आ जाएगा 12.703199। तो यहाँ पे आप वैल्यूज फाइंड आउट करो 5 इंटू आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4.445758। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है एफ डैश ऑफ टू की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 22.228790। ये आपके पास आपने 3 पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्मूला से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आपके पास देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस है पॉइंट के बाद, वो कोई बात नहीं, ये डिफरेंस थोड़ा बहुत आ सकता है हमारे पास, बाकी आपके पास जो वैल्यू है वो से ऑलमोस्ट सेम आएगी। जिस मर्जी फार्मूला से आप वैल्यू निकालो तो आपके पास ये जो वैल्यू है वो सेम आएगी। तो इस मेथड से आप इसको फाइंड आउट देखें कि हमने जो पहले 3 पॉइंट का पढ़ा अब हम 5 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला देखते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के लिए। तो इसमें होता है ये कि एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 1 ओवर 12 एच इंटू माइनस 25 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 48 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस 36 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 2 एच
plus 16 f of x naught plus 3h minus 3 f of x naught plus 4h. अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास x naught plus 2h तक तो वैल्यूज थी, अब 3h और 4h की वैल्यू है यानी x naught plus 3h की और x naught plus 4h की. अब हम देखेंगे क्वेश्चन में कि आपके पास देखेंगे इक्विली स्पेस डेल्टा है तो 2.3 से आगे आपके पास 2.2 से आगे 2.3 और 2.4 आप खुद से अज्यूम कर लेंगे और यहां से आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास x naught plus 3h की और x naught plus 4h की वैल्यू आपके पास जो है वो आ जाएगी यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है x naught 3h और x naught 4h की वैल्यू आ जाएगी. इसके अगर आपने कोरस्पोंडिंग f of x फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन f of x है इसमें x की वैल्यू x की जगह पे वैल्यू जो है वन बाई वन पुट करेंगे 2.3 एंड 2.4. ये दोनों वैल्यूज आप पुट करके क्रॉस्पॉन्डिंग उसके फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी. इसके 2.3 की क्रॉस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी 22.940620 और आपके पास जो 2.4 के क्रॉस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो 26 आएगी 4555623 आ जाएगी. ये इसके क्रॉस्पॉन्डिंग. इसके बाद हम क्या करेंगे कि h जो है हमारे पास वो सिंपली वो सेम एज इट इज आएगा इक्वली स्पेस डाटा के लिए और उसके बाद हमारे पास इसमें वैल्यूज लगाएंगे आपके पास 1 ओवर 12 इनटू 0.1 आ जाएगा इनटू माइनस 25 इनटू f ऑफ x नॉट x नॉट क्रॉस्पॉन्डिंग आ जाएगी आपके पास 14.77812 आ जाएगा प्लस आएगा 48 f ऑफ x नॉट प्लस h 17.14 14 8 9 8 9 5 7 8 9 5 7 minus 36 into f of x naught plus 2 is 19.8 55 03 19.8 55 03 0 और उसके बाद आपके पास आ जाएगा plus 16 f of x naught plus 3 h प्लस 16 इंटू. अब देखिए f of x नॉट प्लस 3h जो हमने ये वैल्यू निकाली है x नॉट प्लस 3h इसके कोरस्पोंडिंग फंक्शन की वैल्यू क्या आई आपके पास पुट करने से 22.940620 और माइनस आ जाएगा आपके पास 3 इंटू f of x नॉट प्लस 4h के कोरस्पोंडिंग क्या वैल्यू आई है 26.4 25 623 आ जाएगा. यहाँ पे अब आप कैलकुलेटर की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो f of dash of 2 है वो 22 point something आ जाएगा 22.308796 हमारे पास सॉरी f of x नॉट यहाँ पे क्या था हमारे पास f of f dash of 2 तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू इस फॉर्म 5.81 फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं. अच्छा यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट है 5.8 फॉर्मूला. तो इसका फॉर्मूला है f डैश ऑफ x नॉट इक्वल टू 1 ओवर 12 h f ऑफ x नॉट माइनस 2 h माइनस 8 f ऑफ x नॉट माइनस h प्लस 8 f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट प्लस 2 h. सिंपली हमने क्या करना है कि यहाँ से जो है वो वैल्यूज लगानी सेम h की वैल्यू वही है 12 इंटू 0.1 है इंटू आ जाएगा आपके पास f of x naught minus 2h f of x naught minus 2h तो f of आपके पास इसके corresponding value है 10.8893 और 65 minus 8 into f of x naught minus h 12.73 703 703 703 199. उसके बाद आपके पास जो value है plus 8 into x naught plus h इसके corresponding 17.14 8957 उसके बाद आपके पास जो वैल्यू है माइनस f of x naught plus 2h थी x इसके corresponding है 19.855030. तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 22.166990 यहाँ से हमारे पास f dash of 2 की जो वैल्यू है
वो आपके पास 22.166990 आ जाएगी। इस फॉर्मूला से भी आप देखें कि थोड़ा सा डिफरेंस आया है जस्ट, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इस मेथड से आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। आपके पास गिवन होगा, कहा जाएगा कि आपके पास किस फॉर्मूला से आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे हमने जो अप्रोक्सीमेट एरर है इन सब डिफरेंट फॉर्मूलाज के लिए जो अलग अलग गिवन है उनके लिए देखते हैं कि सबसे पहले अप्रोक्सीमेट एरर फॉर थ्री पॉइंट एंड पॉइंट फॉर्मूला। आपके पास जो थ्री पॉइंट एंड पॉइंट फॉर्मूला था उसके लिए जो अप्रोक्सीमेट एरर है वो क्या आएगा आपके पास, ए थ्री ओवर थ्री एफ ऑफ एक्साइल एफ थ्री ऑफ एक्साइल नॉट। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके थर्ड डेरिवेटिव में एक्साइल नॉट पुट करेंगे और वैल्यूज लगा के आपके पास अप्रोक्सीमेट एरर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स था वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू था हमारे पास एक्स ई रेज पावर एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, एफ डैश ऑफ एक्स आपके पास आएगा ई रेज पावर एक्स प्लस आपके पास आ जाएगा ई रेज पावर एक्स प्लस आएगा एक्स ई रेज पावर एक्स आ जाएगा। यहां से आपके पास ई रेज पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स आएगा इक्वल टू ई रेज पावर एक्स इंटू टू प्लस एक्स, और इसी तरह से आपके पास एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास इक्वल टू ई रेज पावर एक्स इंटू थ्री प्लस एक्स आएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यूज आ जाएगी। अब आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा ई रेज पावर एक्स वन प्लस एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स ई रेज पावर एक्स टू प्लस एक्स, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा ई रेज पावर एक्स थ्री प्लस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यूज है हमने एफ थ्री ऑफ एक्स में एक्साइल नॉट पुट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्साइल नॉट होता है वो बिलोंग करता है एक्स नॉट और एक्स नॉट प्लस टू एच, इसके बिटवीन जो है आपके पास इस इंटरवल के बिटवीन एक्साइल नॉट पुट करता है एग्जिस्ट करता है। अब देखिए एक्साइल नॉट एक्स नॉट और एक्स नॉट प्लस टू एच है, एक्स नॉट और एक्स नॉट प्लस टू एच के बिटवीन आपने कोई भी वैल्यू ले लेनी है, मीन आपके पास 2.1 है तो आप ये लेट करेंगे यहाँ पे जो आपके पास एक्साइल नॉट है एक्साइल नॉट इक्वल टू आ जाएगा 2.1, यहाँ पे एफ थ्री ऑफ एक्साइल नॉट इक्वल टू ई रेज पावर एक्स इंटू वन प्लस ई रेज सॉरी थ्री प्लस आ जाएगा थ्री प्लस ई रेज पावर थ्री प्लस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे एफ थ्री ऑफ 2.1 जो है वो इक्वल टू आएगा x की जगह आप एक्साइल नॉट पुट करोगे 2.1, तो यहाँ पे e रेज पावर 2.1 इंटू थ्री प्लस 2.1 आएगा, तो यहाँ से एफ थ्री ऑफ 2.1 जो है वो इक्वल टू आ जाएगा वो आपके पास आएगा 41.64747467 आ जाएगा। यहाँ पे देखें अब आपके पास एफ थ्री ऑफ एक्साइल नॉट की वैल्यू भी आ गई है, ये आपके पास आई है ठीक है 2.1 पे। उसके बाद आपके पास एच की वैल्यू सेम है 0.1 है, और आप वैल्यूज इसमें लगाओ, इसको नाम आप स्टैटिक का दे दो, टोटल स्टैटिक ऑल वैल्यूज टोटल स्टैटिक, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे एच की वैल्यू है 0.1, दिस इंप्लाइज दैट स्टैटिक इंप्लाइज दैट आपके पास आ जाएगा 0.1 क्यूब डिवाइडेड बाई आएगा 3, और एफ थ्री ऑफ एक्साइल नॉट जो 2.1 निकाली है वो पुट करेंगे आपके पास आएगी 41.64747467 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0.1 क्यूब ओवर 3 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 0.013882। ये आपके पास अप्रोक्सीमेट एरर आ जाएगा, आपके पास थ्री अप्रोक्सीमेट एरर आएगा 3 पॉइंट एंड पॉइंट फॉर्मूला के लिए अप्रोक्सीमेट जो एरर है वो इतना आ सकता है आपके पास। ठीक है, तो इस मेथड से आप
अप्रोक्सीमेट एरर फाइंड कर सकते हैं, 3.1 पॉइंट फॉर्मूला के लिए। सेम इसी तरह से जो जो आपके पास अप्रोक्सीमेट एरर गिवन है उनकी वैल्यूज पुट करके 3 पॉइंट मिड पॉइंट के लिए भी, 5.3 एंड पॉइंट के लिए और 5 पॉइंट मिड पॉइंट के लिए फाइंड आउट। यहाँ पे देखेंगे हमने पहले पढ़ा था जो फॉर्मूले थे वो फर्स्ट डेरिवेटिव के थे, अब सेकंड डेरिवेटिव मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, f डबल डैश ऑफ x नॉट इक्वल टू 1 ओवर h स्क्वायर f ऑफ x नॉट माइनस h माइनस 2 इनटू f ऑफ x नॉट प्लस f ऑफ x नॉट प्लस h, और ये जो हमारे पास है h स्क्वायर ओवर 12 f 4 ऑफ एप्सिलॉन नॉट है, ये आपके पास अप्रोक्सीमेट एरर है। ये आपके पास इसको आपने कैलकुलेट सेपरेटली कैलकुलेट करना है, अगर आपने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करनी है तो ओनली जिस पॉइंट पे एवेल्युएट वैल्यू कहा जाएगा उस पे आप यहां तक सिंपली करोगे, अगर आपने अप्रोक्सीमेट एरर निकालना है तो आप इसको सेपरेटली फाइंड आउट करोगे, ये जस्ट आपको बताया ठीक है, तो यहाँ पे ये आप कैलकुलेट नहीं करोगे। अब यहाँ पे देखो कि एज की वैल्यू सेम है हमारे पास 0.1, f of x नॉट माइनस एज इसकी वैल्यू है हमारे पास, f of x नॉट की वैल्यू है हमारे पास, f of x नॉट प्लस एज की वैल्यू हमारे पास है गिवन है, तो यहाँ पे देखें 1 ओवर वैल्यूज लगाते हैं 0.1 स्क्वायर, f of x नॉट माइनस एज की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 12.703199 माइनस 2 इंटू f of x नॉट की वैल्यू है 14.778112 प्लस f of x नॉट प्लस एज की वैल्यू है हमारे पास 70.148957। आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास f डबल डैश ऑफ 2 जो है वो आपके पास क्या आएगा, वो हमारे पास 29.593200 ये हमारे पास वैल्यू आपके पास आ जाएगी f डबल डैश ऑफ 2 की, सेकंड डेरिवेटिव मिड पॉइंट।